तुम लोग जब भी बैटिंग टिप्स YouTube पर सर्च करते हो तो वहाँ पर बहुत सारा वीडियोस आते हैं, मेरे भी आते हैं, लेकिन तुम लोगों का सवाल एक होता है कि भाई तुम लोग तो मार रहे हो सिक्सेस, हम क्यों नहीं मार पा रहे, हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं कि हम चक्के नहीं मार पा रहे, तुम ऐसा क्या कर रहे हो। वही आज के वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ। काफी ज्यादा एंटरटेनिंग, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक देखो। तो चलो गाइस, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे शॉट्स वॉट मारने और कैसे अच्छा खेलना होता है। तो सिंपली मैं जैसे कि यहाँ पर आ चुका हूँ, देखो ये पहली बॉल डाल रहा है तो मुझे इस पर बाउंड्री लेनी ही लेनी है, तो मैंने गाइस पुल कर दिया और देख लो भाई ये चौका, ठीक है। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा स्पेशल चीज़ें ही दिखाऊंगा भाई, क्या को तुम्हारा टाइम और अपना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। और देखो गाइस, अब मैं तुम लोगों को मार के दिखाता हूँ यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री, मैं तुमको मार के दिखाता हूँ। जैसे देखो एश्टन ने अगर विराट कोहली को बॉल डाला है तो मैंने ना पहले ही तैयार हूँ कि मुझे बाउंड्री मारनी है, और मैं हमेशा वो एरिया चूज़ करता हूँ जहाँ फील्डर नहीं है। अगर तुम लोग प्लेयर नूब हो, बिगनर हो, कुछ भी हो, तो तुम लोगों को ऐसी चूज़ करनी जगह नो भी बॉल मिल गई हम लोगों को, तो कि जहाँ फील्डर नहीं है, ताकि कैच आउट ना हो सको तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ देख लो भाई कितना अच्छा मौका मिला हम लोगों को कि यहाँ देख लो भाई बंदे ने नो बॉल भी डाल दी थी और हमने उस पर बाउंड्री भी मार दी थी, क्योंकि हम लोग मारते ही ऐसी जगह जहाँ फील्डर नहीं है, ठीक है। अब भाई देखते हैं यहाँ पर फ्री हिट पे हम क्या ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्री हिट है, मैं फिर से उसी जगह मारूंगा जहाँ पर फील्डर नहीं है। ओ भाई साहब मैंने मारिया, ओ भाई नेक रह गया भाई, छक्के से चौका हो गया, ठीक है। तो यही अच्छा खासी होता है कि अगर आप जिधर फील्डर हैं उधर मारोगे तो कैच आउट हो जाओगे, बाउंड्री भी नहीं मिलेगी, नुकसान हो जाएगा विकेट का। तो हमेशा ऐसी जगह मारो जहाँ कैच आउट ना हो सको, ठीक है। मैं कैच आउट नहीं होता हूँ ऐसी जगह पर। ये ओवर तुम लोग देख रहे हो कितने चौके आ गए, और ये मैंने मारी भाई साहब आ गई बल्ले के बीच में, और ये छक्का भाई इस ओवर में 6 चौके और 1 छक्का है भाई, यानी कि 24-6 30 रन आ गए गाइस इस ओवर से। 9 बॉल 30 से 7 31 रन आ गए भाई, और क्या ही शॉट मार दिया एंड वाली बॉल पे, क्योंकि भाई देखो जिधर फील्डर नहीं भी छक्का जाता तो चौका तो मिल ही जाता है मुझे, ठीक है। अभी देख लो मैं कवर्स के ऊपर से शॉट मारा और ये चौका मिल गया मुझे, पता है कैसे मिला ये भाई साहब मुझे मिला, तू निकल जा भाई पहले। हाँ भाई देखो ये चौका मिलने के ना बहुत दिमाग से खेलना चाहिए आप लोगों को, ऐसे चौके जब निकालने हैं जब कवर्स पे आपको भरोसा हो, शॉर्ट बॉल आ रही है आप मार सकते हो, अंधा तो नहीं खेलना है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो लो फुल टॉस बॉल, मैं इसको पीछे, ओ भाई बाई का चौका मिल गया, ठीक है। और ये गाइस बाई का हम लोगों को चौका देखने को मिल गया, ठीक है। अब इसको जान देते हैं, ओ भाई साहब अभी हम लोगों को जैसे कि ये शॉर्ट बॉल आ रहा है थोड़ा सा, मैं इसको लेग साइड पर मारने की सोच रहा हूँ, तो मैंने इसको जस्ट लेग साइड पे घुमाया, ओ भाई मिस टाइम है ये तो, ओ भाई मिस टाइम थी, मैंने लेग मारा था ऑफ पे चली गई, फिर भी चौका मिल गया वो, क्योंकि स्किल ज़्यादा हो चुकी बार बार खेलना है इतना ज़्यादा, मतलब ये बल्लेबाज इतना रन मार देते हैं इस मैच में कि इसका मिस टाइम भी जा रहा है, मतलब बैट स्किल हाई हो चुकी है। वो तभी होगी जब आप लोग ज़्यादा शॉट्स निकालोगे, मतलब हर बॉल पर शॉट लोगे तो ऑब्वियसली स्किल बढ़ जाएगी। लाइक देखो अभी ना 3 ओवर में 83 रन है, ठीक है। मैंने अब इसको पीछे मारने की सोच रहा हूँ, ओ भाई मिस हो गया यार, मिस हो गया, कोई बात नहीं कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी गाइस ये ओवर बर्बाद जा रहा है ना, अगला ओवर इसकी सब भरपाई कर दूंगा भाई, चिंता मत करो भाई। ये लो गया, मैंने कहा मैं पीछे ही मारूंगा भाई, पीछे मारने पे भाई शॉट देख रहा हूँ कितना तगड़ा गया कि वो 6 ही मिल गया भाई मुझे, ठीक है। क्या ही होता, चौका चला जाता पर 6, क्योंकि फील्डर नहीं थे तो मैं आउट नहीं हो सकता हूँ पहली बात, दूसरी बात मेरी स्किल बहुत ज़्यादा हाई हो गई क्योंकि मैंने शॉट्स ही इतनी लगा दिए। तुम लोग भी स्किल हाई कर सकते हो भाई साहब, यहाँ देख लो एक बार, देख लो भाई कितने रन है भाई, 30 रन का ओवर था वो वाला, 31 रन का, और ये ओवर भी काफ़ी सही गया। अब भाई ये ओवर में मुझे सब कुछ भरपाई करनी है, तो पहली बॉल भाई मैं ना विकेट छोड़ के खेलूंगा क्योंकि भाई मुझे उसमें एट लेने हैं। देखो भाई जब भी तुम लोग विकेट छोड़ के खेलते हो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मिडिल स्टंप से थोड़ा इधर से खेलना, मतलब एक स्टंप छुपा सकते हो लेग स्टंप को, उसके बाद जब स्पिनर बॉल डालेगा या तो वो ऑफ स्पिन है या लेग स्पिन, तो तुम लोगों को ट्राई करना है कि उसके साथ ही मारो, ठीक है। देखिए ऑफ स्पिनर है तो मैंने यहाँ देखो फिर से इसने मैंने इसके बॉल का पीछा किया, मैंने फिर से घुमा दिया भाई, लो फिर से चौका लग गया पूरी। ओ भाई चौका नहीं है भाई, ये क्या हो भाई, भाई कोई बात नहीं भाई, मैंने 2 रन ले लिए ना, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई, चलो फिर से तुमको दिखाता हूँ, देखो मैंने लेग स्टंप छोड़ दिया, अब मैंने मारा भाई लो, अब ये कोई फील्डर नहीं रोक सकता भाई, ये फील्डर नहीं रोक सकता क्योंकि ये बैट के मिडिल ऑफ द बैट लगी थी, टाइमिंग काफ़ी अच्छी लगाई थी मैंने इसमें, ठीक है। फिर से स्टंप छोड़ के अभी देखो ये तो बॉल के टर्न जा, हाँ भाई क्या छक्का जाएगा इस पर, अगर ये बॉल टर्न हो गई तो हो गया भाई 6, क्योंकि भाई बॉल टर्न हो रहा है। अगर तुमको टर्निंग ये वाला सिस्टम समझना है तो उसके लिए तुम लोग वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इसने बिधर बॉल टर्न करी, मुझे पता भाई ट्रिक क्या है, तो मैंने सिंपली शॉट मार के इसमें मार दिया, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर आप देखते हैं भाई 44-14 बॉल में भाई, अब फिर से भाई बॉल टर्न होगी क्या, फिर से भाई मैंने विकेट्स खेल लिए भाई, अब क्योंकि ये बंदा ट्रेंड पे जा रहा है और मैं 6 पे जा रहा हूँ, दोनों का सेम एरिया है। तुम लोग को मैं जो कह रहा हूँ तुमको समझना है ना, तो वीडियो को दोबारा देख लेना ये मैंने क्या क्या बोला है भाई, 15 बॉल में 50, ये हाईएस्ट नहीं है मेरे 10 बॉल में है, तुम लोगों को दिखाऊंगा कभी। तो यहाँ पर ये भी हो गया भाई ख़त्म, अभी चलो भाई इसको जल्दी से आगे बढ़ाओ, स्किप भाई हमको नहीं देखने का, अभी भाई लास्ट बॉल है भाई इस पर भी भाई, भाई मैं सोच रहा हूँ एक शॉट ले लेते हैं, ओ भाई ले लिया है, मिस टाइम है तो भाई चौका चला जाएगा वैसे भी, और भाई मिल गया भाई हमको चौका। तो भाई ये थी कुछ खास टिप्स जो कि आप लोगों को यूज़ करनी ही करनी है अपने गेम पे, और तगड़ा करना है ना, तो अगर और टिप्स भी दे सकते हो, ये काफ़ी तगड़ी टिप्स हैं, इनको इस्तेमाल कर लोगे फिर यूट्यूब पर सर्च करने की जरूरत नहीं।